एक बार की बात है, दो दोस्त बचपन से बहुत करीबी होते थे। एक बहुत अमीर होता था, उसका नाम राकेश होता था, और दूसरा दोस्त बहुत गरीब होता था, उसका नाम था राजू। राकेश अमीर था और उसका लाइफस्टाइल बहुत अमीरों वाला था, और राकेश अपनी सिटी में रहता था और राजू अपने विलेज में रहता था। राकेश के पास एक हेलीकॉप्टर और गाड़ी जो राकेश रोज चलाता था अपने मजे के लिए, और राजू के पास कुछ भी नहीं था। वो जहां कहीं भी जाता था पैदल जाता था। वो राकेश के बारे में सोचता था कि लाइफ हो तो ऐसी हो, वरना ना हो तो अच्छा है। वैसे तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, परंतु जो अमीर था वो बहुत खुश था, और जो गरीब था वो बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से। क्योंकि आप सबको भी पता है कि गरीब की लाइफ बहुत कठिन होती है। एक दिन राकेश अपने हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा था, तो राजू भी कहीं पैदल जा रहा था। उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी कि कोई आकाश में हेलीकॉप्टर जा रहा है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि जे तो मेरा दोस्त राकेश है। उसने राकेश की तरफ देखकर हाथ हिलाया और राकेश ने भी देख लिया था, परंतु कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू को रिप्लाई ना मिलने पर उसे बहुत दुख लगा कि गरीब का कोई भी होता। राजू बहुत उदास हो गया और चला गया। राजू दुखी और उदास होकर अपने घर चला गया और बैठकर सोचने लगा ही, भगवान मुझे इतना गरीब जिंदगी क्यों दी है। वो सोचते सोचते मैं में ही बोलने लगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं बी मेहनत करके बहुत अमीर बनूंगा और गरीबों को मदद करूंगा जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। राजू मेहनत करने में लग जाता है। उससे मेहनत करते करते 2 साल से ऊपर हो जाता है, पर उससे कोई मकाम हासिल नहीं हो रहा था। पर वो मेहनत करता रहा करता रहा। एक दिन बागवान की मेहर से उससे मकाम मिल जाता है और उसकी मेहनत रंग लाती है। राजू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और उसकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी। वो थोड़े दिनों में ही बहुत अमीर हो जाता है। जे बात राकेश को जब पता चलती है कि उसका दोस्त राजू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, वो भी अपने हेलीकॉप्टर से मिलने जाता है, सीधा उसकी बिल्डिंग पर लैंड करता है और उससे कि राजू मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर हूँ। राजू को सब याद था कि कैसे राकेश ने मुझे मेरे माड़े टाइम पर इग्नोर किया था। अब मिलने खुद आया है, पर राजू दिल का अच्छा था, क्योंकि सुना ही होगा आप सबने कि गरीब का दिल बड़ा होता है। राजू भी उससे खुशी खुशी मिलने सी एचएल जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मैं अनु वीडियो के जरिए जे चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस कभी को मेहनत करना, NHI छोड़े एक ना, एक दिन सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। गरीब हो का अमीर, कभी को मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, और सक्सेस पाने के बाद हंकार को अपने करीब भी नहीं आने देना चाहिए। थैंक यू।